हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। उर्मिला वेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ विंटर स्पेशल कैल्शियम रिच इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्राई फ्रूट्स लड्डू। तो आइए चलिए हम बनाते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी गर्म हो गया। हम 100 ग्राम गुंदर लिए हैं, जिसे गोंद भी बोलते हैं। तो इसको हम तल लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, नहीं तो ये दांत में चिपकता है, थोड़ा कच्चा रहता है। तो और घी हम इसमें डाल के 100 ग्राम बादाम लिए हैं, इसे भी हम ड्राई कर भून लेंगे। हमने 100 ग्राम काजू भी लिया है, तो इसे भी हम इसके साथ भून लेंगे। हमको ड्राई फ्रूट्स को डीप फ्राई नहीं करना है, सैलो फ्राई करके हमको निकाल लेना है। काजू और बादाम देखिए भून गए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। 100 ग्राम मखाना लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। अब मखाना जो है अच्छी तरह भून गया है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए, थोड़ा घी डालेंगे। हमने 100 ग्राम किशमिश भी लिया है, इसे भी हम भून लेंगे। देखिए, किशमिश अच्छी तरह हो गया है। इसको हमको अधिक नहीं भूनना है, नहीं तो कड़ा हो जाएगा। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने 200 ग्राम डेसिकेटेड नारियल लिया है, इस तरह कसा हुआ। नारियल में तेल होता है, इसलिए हमने इसमें घी नहीं डाला है। देखिए, नारियल भून गया है, अब इसे हम निकाल लेंगे। हमने 100 ग्राम खसखस भी लिया है, जिसे पॉपी सीड बोलते हैं, इसे भी हम भून लेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे। हम इसे स्लो आंच पे ही भूनेंगे। देखिए, खसखस भून गया है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। हमने 100 ग्राम डेट्स लिया था, इसके बीज को हमने निकाल लिया है, अब इसको भी हम भून लेंगे। इसमें हल्का सा घी हम डालेंगे। देखिए, डेट्स में बहुत ही आयरन होता है दोस्तों, और ये विंटर में शरीर को गर्म रखता है। देखिए, हमने 100 ग्राम अंजीर लिया है, इसे हम महीन महीन काट लिए हैं, इसे भी हम भून लेंगे। हमने थोड़ा सा घी कढ़ाई में डाला है। अंजीर अच्छी तरह हो गया, अब इसको हम हल्का ही पकाएंगे और इसे निकाल लेते हैं। देखिए, हमने कढ़ाई में घी डाला है और हमने गेहूं के आटे के जगह रागी का आटा लिया है, इसे हम भून लेंगे अच्छी तरह। हमने आटा जो है 250 ग्राम लिया है। आटे को हम मीडियम स्लो फ्लेम पे ही भून रहे हैं। रागी के आटा में दोस्तों बहुत ही कैल्शियम होता है। देखिए, हमने 50 ग्राम जिंजर पाउडर लिया है, जिसे सौंठ बोलते हैं, इसको भी हम आटे में डाल के भून लेंगे। रागी का आटा जो है भून गया है, और इसमें हमने सौंठ पाउडर भी भून लिया। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में हल्का मोटा पीस लेंगे। हम आधे गोंद को हल्का दरदरा पीस लेंगे और आधा हम खड़ा ही इसमें डालेंगे। देखिए, हमने सभी ड्राई फ्रूट्स को पल्स मोड पे पीस लिया है, हल्का दरदरा है ऐसे। और हमने खजूर को काट लिया है, और थोड़े हमने बादाम और काजू रखे थे, उसको भी काट लिया है। ये हमारा पॉपी सीड है, पोस्ते का दाना, जैसे खसखस भी बोलते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें हम घी डालते हैं। हमने 250 ग्राम गुड़ काट के रखा है, देखिए महीन करके, इसको हम इसमें डाल देंगे। एक स्पून पानी डाल देते हैं गुड़ में। देखिए, गुड़ अच्छी तरह गल गया है। अब पहले हम इसमें अंजीर को डालेंगे। अब हम सभी ड्राई फ्रूट्स को कढ़ाई में डाल देंगे। रागी के आटे को भी इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए, लड्डू का आटा पूरा अच्छी तरह और ड्राई फ्रूट्स के साथ तैयार हो गया है, अब इसे हम बांध लेंगे। देखिए, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कितनी अच्छी तरह से बन रहे हैं। अब हम दूसरा लड्डू भी ऐसे ही बांधेंगे। देखिए,
कितने अच्छे लड्डू ड्राई फ्रूट्स और रागी के आटे के बने हैं।